हे माइंडफुल पीपल, कोरोना वायरस कैसे काम करता है और वो हमारी बॉडी में जाकर क्या क्या चेंजेस लाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बातें हमने बहुत सारी पिछली वीडियोस में कर रखी हैं। लेकिन अब जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि दुनिया में कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और इवन कुछ देशों में तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी चालू हो चुका है, तो आज की वीडियो में हम कोरोना के वैक्सीन से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, जिसमें आपको आपके सारे डाउट्स और सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। शुरू करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखो, आज से पहले जितनी भी वैक्सीन्स बनाई गई हैं उन सबको बनने में कई सालों का टाइम लगा है, क्योंकि वो वैक्सीन हमारा जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसके थ्रू बनाई गई हैं। इस नॉर्मल जो प्रोसीजर है उसमें एक प्रोसेस खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट करा जाता है, फिर दूसरा खत्म होता है, फिर तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, मतलब एक स्टेप खत्म होने के बाद ही हम दूसरे स्टेप पर जाते हैं। और इस तरह एक वैक्सीन को तैयार करने में 5, 10, 15, इवन 20 साल तक का भी टाइम लग जाता है आज भी। लेकिन कोरोना का सीन बिल्कुल अलग है, दुनिया ने आज तक मतलब ऐसा कुछ फेस नहीं करा था, और जो करा भी था तो उस वक्त हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं थी। लेकिन इस बार हमने चीजें अलग करी, और क्योंकि ये एक वैक्सीन है और ये जिंदा लोगों के अंदर जाने वाला है, इसीलिए जो साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं वो किसी भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस बार हमने ये सारे स्टेप्स करे हैं लेकिन पैरेलल स्टेज में, एक चल रहा है तो उसी के साथ दूसरा स्टेप भी चल रहा है, फिर तीसरा स्टेप भी चल रहा है, चौथा स्टेप भी चल रहा है। तो इस तरीके से हमने एक साल के अंदर ही इस वायरस का वैक्सीन बना लिया है। लेकिन इन सारे स्टेजेस की शुरुआत होती है रिसर्च से, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब उस वैक्सीन के अंदर क्या डाला जाएगा, कैसे डाला जाएगा, कितना डाला जाएगा ताकि वो लोगों की जान बचा सके, ये सारी चीजें हमें रिसर्च में ही पता चलती हैं, इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। तो ये तो हुई बातें हमारी ओवरऑल, अब बात करते हैं हम कि वैक्सीन आखिर काम कैसे करती हैं। देखो, जितनी भी वैक्सीन होती हैं वो सारी कुछ और नहीं बल्कि उसी वायरस का या तो मरा हुआ हिस्सा होती है, या फिर वो एक वीकेंड वायरस होता है जो कि जिंदा तो होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, वो खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा आपकी बॉडी के अंदर जाकर। और इन वायरसेस को अलग अलग बूस्टर्स और अलग अलग चीजों के साथ मिक्स करके एक वैक्सीन तैयार करी जाती है। अब देखो, हमारी बॉडी के जो अंदर चीजें काम करती हैं वो लगभग ऐसे ही काम करती हैं जैसे बाहर चीजें काम करती हैं। अगर मान लो आपके घर में कोई इंसान आता है जिसको आप जानते नहीं पहचानते नहीं, तो आप उसको मना तो करोगे नहीं, वो आएगा तो आप पहले ये पता करोगे कि वो कौन है, कहाँ रहता है, आपका उससे क्या लेना देना है, आप किसी भी अननोन इंसान को ऐसे ही तो भगा नहीं दोगे। तो जब तक आपको ये पता चलेगा कि वो जो इंसान है वो आपको नुकसान पहुंचाने आया है, तब तक वो आपके घर में घुस चुका होगा और उसने अपनी सारी तैयारी कर ली होगी कि वो कैसे आपके घर को हाईजैक करेगा। बिल्कुल सेम इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर एक वायरस का अटैक भी होता है। उस टाइम क्या होता है, कोई भी नया वायरस जब आता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो जैसे हमारे देश में आर्मी होती है जो किसी भी दुश्मन से लड़ती है बाहर से आए दुश्मन से, बिल्कुल उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी की आर्मी है। तो जब भी कोई अनजान वायरस हमारी बॉडी में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको चेक करता है पहले कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है, इसका काम क्या है, मतलब ये बॉडी के अंदर हमारे पहली बार आया है तो ये हमारी बॉडी में अच्छी चीज़ है या फिर ये नुकसान देने वाली चीज़ है। और जब तक इम्यून सिस्टम को ये बात पता चले कि वो नुकसान देने वाली चीज़ है, तब तक वायरस अपना काम कर देता है। वायरस का काम क्या होता है, खुद को मल्टीप्लाई करने का। वो बॉडी के अंदर जाकर अपने इतने सारे मतलब करोड़ों अरबों सेल्स तैयार कर लेता है कि जब तक हमारे इम्यून सिस्टम को ये चीज समझ में आएगी कि ये जो वायरस है ये हमारी बॉडी के किसी भी काम का नहीं है बल्कि ये हमारे बॉडी को नुकसान करेगा, उतनी देर में वो लोग पूरी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उन पर काम नहीं कर पाता। तो ये तो हुई बात कि वायरस कैसे काम करता है, वो कैसे अटैक करता है हमारी बॉडी को। तो अब देखते हैं ये वैक्सीन कैसे काम करेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी वैक्सीन होती हैं उसके अंदर मोस्टली जो पार्ट होता है वो वही वायरस होता है, या तो मरे हुए फॉर्म में या फिर बहुत ही कमजोर वायरस के फॉर्म में। तो अब जब आपके बॉडी के अंदर ये वैक्सीन डाली जाती है तो क्योंकि वो वायरस कमजोर है इसी वजह से वो बॉडी के अंदर जाकर तुरंत अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू नहीं करता, और तब तक हमारा इम्यून सिस्टम उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करता है कि वो चीज़ क्या है, वो हमारी बॉडी में किस काम की है। और जब उसको पता चलता है कि ये हमारी बॉडी में किसी भी काम की नहीं है, मतलब कोई भी फायदा नहीं कर रही हमारी बॉडी को, तो वो उस वायरस के खिलाफ
एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है और ये एंटीबॉडीज सिर्फ और सिर्फ उसी वायरस से लड़ने के लिए काम करती हैं। मतलब कि इम्यून सिस्टम इस वायरस से लड़ने के लिए एक अलग टुकड़ी बना देता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी वायरस से लड़ने के लिए ट्रेन करी जाएंगी। इसके बाद अगली बार जब वही वायरस आपकी बॉडी में अटैक करेगा तो इम्यून सिस्टम को पता होगा कि भैया ये चीज पहले आ चुकी है हमारे अंदर, इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। वो तुरंत एंटीबॉडीज को इसकी तरफ भेजेगा और इसके मल्टीप्लाई होने से पहले ही इस वायरस को खत्म कर देगा। तो इस तरीके से हमारी वैक्सीन काम करती है। अब बात करते हैं कि अभी हमारे पास कौन कौन सी वैक्सीन तैयार हो चुकी हैं और उसमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही हैं और हमारी इंडिया में हमें कौन सी वैक्सीन देखने को मिलेगी। अभी जो आपने हाल ही में न्यूज़ सुना होगा कि यूके में जो वैक्सीन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चालू होने वाली है, तो यूके में जो वैक्सीन तैयार करी जा रही है वो है फाइजर वैक्सीन। अब हाँ, इसकी स्पेलिंग यही है। और इससे पहले हमने रशिया के बारे में भी सुना था कि वो स्पुतनिक 5 लेकर आ रहा है और इंडिया भी खुद की वैक्सीन बना रहा है और उसकी अप्रोच बाकी कंपनीज की अप्रोच से बिल्कुल अलग है जो कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही है। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फाइजर को। ये एक mRNA बेस्ड वैक्सीन है और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज तक इंसानों को mRNA बेस्ड वैक्सीन नहीं दी गई है। ये पहली बार होगा जब किसी इंसान को mRNA बेस्ड वैक्सीन दी जाएगी। यहाँ पर M का मतलब होता है मैसेंजर। तो इसमें क्या होगा, हम पूरे एक मरे हुए वायरस को न लेकर उसके एक छोटे से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको बॉडी के अंदर भेजेंगे। जैसे आपने अभी तक जितने भी SARS वायरस के फोटोज वगैरह देखे होंगे तो उसमें आपने ये स्पाइक्स देखे होंगे इस तरह के। तो इस mRNA फॉर्म वैक्सीन के अंदर भी केवल इन स्पाइक्स को ही बॉडी के अंदर डाला जाएगा। फिर ये स्पाइक्स हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं उनके साथ जुड़कर एक नया वायरस बना देंगे जो कि इन्फेक्टेड नहीं होगा। अब यहाँ पर इम्यून सेल का मतलब है कि अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है तो आपके सारे सेल्स इम्यून हैं, और अगर आपको कोरोना हुआ है तो वो स्पाइक केवल उन सेल्स के साथ ही जाकर जुड़ेगा जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, और फिर वो सेल्स खुद को एक दूसरा वायरस बना देंगे और वो वायरस आपकी बॉडी में किसी भी तरह का हार्म आपको नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हाँ, वो अपना काम जरूर करेगा, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू जरूर कर देगा लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अब जैसे ही वो खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा हमारा इम्यून सिस्टम वहां पर काम में आएगा। वो जाएगा, देखेगा, सारी इंस्पेक्शन करेगा और उस चीज के लिए, क्योंकि वो चीज हमारे बॉडी में किसी भी काम की नहीं है, उसके लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। फिर वो एंटीबॉडीज उस नकली वायरस के साथ साथ जो असली के कोरोना वायरस हैं उनसे भी लड़ना शुरू कर देगा और एंड में उन सारे वायरसेस को खत्म कर देगा। और फिर वो एंटीबॉडीज हमेशा आपकी बॉडी के अंदर ही रहेंगी। लेकिन ये जो फाइजर वैक्सीन है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसको करीब -70 डिग्री सेल्सियस के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है क्योंकि तभी ये प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। लेकिन -70 डिग्री सेल्सियस इंडिया में बड़े बड़े शहरों में भी इस तरह का टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो सोचो रिमोटली जो गांव वगैरह के एरियाज हैं वहां तक -70 डिग्री सेल्सियस की वैक्सीन को कैसे लेकर जाया जाएगा। तो इसी वजह से इस वैक्सीन का इंडिया में आ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब अगर हम यहाँ पर दूसरे वैक्सीन की बात करें तो वो है नोवावैक्स द्वारा बनाई गई वैक्सीन। तो इस वैक्सीन की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो एंटीबॉडीज बने हैं वो एक रिकवर पेशेंट से भी करीब 6 गुना ज्यादा असरदार हैं। मतलब जैसे किसी को कोरोना वायरस हो गया तो उसने रिकवर कर लिया, मतलब उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बने और उन्होंने उस वायरस को खत्म कर दिया, तो नेचुरल तरीके से जो भी एंटीबॉडीज बने हैं उससे 6 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज इस वैक्सीन को लेने के बाद आपकी बॉडी के अंदर बनेगा। और इसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, मतलब या तो मरा हुआ या फिर कमजोर कोरोना वायरस को इस वैक्सीन के अंदर डालकर ही बनाया गया है। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि इसका जो स्टोरिंग टेम्परेचर है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में है जो कि आसानी से अचीव किया जा सकता है। लेकिन जब ये इंडिया में बनाई जाएगी तो इसका नाम नोवावैक्स ना होकर कोवोवैक्स होगा। और जब तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट नहीं होती, गवर्नमेंट ने इसके 100 करोड़ सैंपल्स मंगाए हैं ऐसा एक रिपोर्ट बताती है हमें, और हर इंसान को इसके 2 डोजेस की जरूरत है। मतलब ये 100 करोड़ डोजेस करीब 50 करोड़ लोगों के काम आ सकते हैं। अगर हम बात करें इन लॉट में से सबसे फेमस वैक्सीन की, जो कि है स्पुतनिक 5, जिसका नाम शायद आपने सुनी लिया होगा,
तो ये बिल्कुल सेम नोवावैक्स जैसी ही वैक्सीन है। इसके भी हमें दो डोजेस चाहिए होंगे, लेकिन इसका नाम इतना फेमस इसलिए हुआ क्योंकि रशिया दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन बनाने के चक्कर में इसके पहले फेज के ट्रायल के दौरान ही उसने अनाउंस कर दिया कि हमने वैक्सीन तैयार कर ली है। लेकिन क्योंकि इसके और भी टेस्टिंग करी जानी थी, इसीलिए इसको अभी होल्ड पर रखा गया है और इसका तीसरा फेज का ट्रायल चल रहा है और शायद गवर्नमेंट इस वैक्सीन को भी इंडिया में इम्पोर्ट करवा सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जिसका शायद आप बहुत देरी से इंतजार कर रहे होंगे, इंडिया में बनाई गई भारत बायोटेक की वैक्सीन का। तो ये भी बिल्कुल सेम नोवावैक्स जैसी ही है, मतलब उसी टेक्निक पर बनाई गई है। यहाँ पर पहले वायरस की खेती करी गई, पहले उसको संभाल कर रखा गया, उन वायरस के नंबर्स को ग्रो करवाया गया, फिर उन्हें मारकर इस वैक्सीन के अंदर डालकर कुछ और चीजें मिलाकर ये वैक्सीन तैयार करी गई है। मतलब ये चीज इतनी सिंपल भी नहीं है, लेकिन आप अभी ऐसे ही समझ लो। यहाँ पर इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लोग नॉर्मल वैक्सीन तो बना ही रहे हैं, लेकिन वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये लोग एक और वैक्सीन बना रहे हैं जो कि ऐसी इंजेक्शन वाली नहीं होगी, बल्कि वो एक नेजल वैक्सीन होगी जिसे आपके नाक के अंदर डाला जाएगा और नाक के अंदर जाने के बाद वो आपके नाक में एक लेयर बना लेगी और जैसे ही वायरस आपके नाक के अंदर से घुसने की कोशिश करेगा तो बॉडी के अंदर जाने से पहले ही ये वैक्सीन उसे मार देगी। अब यहाँ पर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई कोरोना वायरस तो हमारे मुंह से या फिर हमारे आंखों से भी जा सकता है। तो हाँ, लेकिन अभी तक जितने भी सर्वे हुए हैं उसके मुताबिक 90% केसेस में जो वायरस है वो हमारा नाक के थ्रू ही जाता है। अब अगर गवर्नमेंट इनको ये वैक्सीन बनाने की परमिशन दे देती है तो mid-2021 तक ये लोग इंडिया के लिए अच्छा खासा डोज तैयार कर सकते हैं। इसे मंकीज पर सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है और अभी इसके और भी ट्रायल फेजेस बाकी हैं। लेकिन देखो कि पहले गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती भी है या फिर नहीं। तो बस मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको कोरोना से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल थे सारे के जवाब मैंने दे दिए होंगे। अभी भी अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो और इस वीडियो को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर और दूसरी हर जगह भी पूरी तरीके से फैला दो, क्योंकि जब वैक्सीन आएगी तो उस टाइम पर बहुत सारी फेक न्यूज फैलने के चांसेस हैं। लोग बोलेंगे कि ये वैक्सीन के चक्कर में हमें खुद वायरस दे रहे हैं। भाई वो काम करने का तरीका है, वैक्सीन काम ही उसी तरीके से करती है। तो ये चीजें लोगों को पता होनी चाहिए, इस वजह से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मैं आपसे मिलता हूँ एक नई कमाल की वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।